कुछ दिनों से आपको हमारे YouTube चैनल पर बहुत सारे वीडियोस मिलते होंगे, यानी कि आपको हमारे चैनल पर एक पर एक वीडियोस मिल रहे होंगे। क्या आपको पता है कि हमारे चैनल पर इतने सारे वीडियोस क्यों अपलोड हो पा रहे हैं? उसका कारण है ये, हमने अपने घर में एक नया ब्रॉडबैंड कनेक्शन यानी कि राउटर को सेटअप किया है, और आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आप कैसे ब्रॉडबैंड कनेक्शन सेटअप कर सकते हैं यदि आप चाहते हो तो, और यदि नहीं भी चाहते हो तो आपको एक जानकारी मिलेगा कि आप कैसे ब्रॉडबैंड सेटअप कर सकते हो और क्या क्या इसके लिए रिक्वायरमेंट होता है, क्या क्या र्यूमर इसके बारे में फैल चुका है, ये सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊँगा। और बहुत सारे लोग इस वीडियो पर इसलिए भी आए होंगे क्योंकि उन लोगों को लगता है कि जैसा ब्रॉडबैंड में दावा किया जाता है जिस स्पीड का इंटरनेट का, वैसा नहीं मिलता है। तो आज की इस वीडियो में मैं ये भी आपको क्लियर करने वाला हूँ कि इसका स्पीड कितना होता है, ये टेस्ट भी मैं आपको करवाऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ब्रॉडबैंड आप जब कभी भी सेटअप करवाते हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ों को अपने घर में लगवाना पड़ता है। सबसे पहले आपको केबल लगवाना पड़ता है, आपके अगल बगल जिस भी एरिया में ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगा है वहीं से केबल को गुजारा जाता है और आपके घर तक लाया जाता है, और जितना दूरी चलता है वो केबल उस दूरी के हिसाब से आप पर केबल का चार्ज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरा घर से कुछ आप कह सकते हैं करीब 4-5 कदम या फिर 20 कदम की दूरी पर ही हमारे घर में एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगा था, वहीं से केबल आया है। और ख़ास बात यहाँ ये है मेरे राउटर के बारे में, ब्रॉडबैंड कनेक्शन के बारे में, कि यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर का कनेक्शन लगा है। इसका मतलब ये है कि स्पीड मामूली नहीं है, हाई स्पीड है। हाई स्पीड इंटरनेट के साथ मुझे ब्रॉडबैंड कनेक्शन का सुविधा मिल रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। अब बात करते हैं इसका रेट क्या है। 9 रुपया 1 मीटर का रेट है, यानी कि यदि आप 100 मीटर यदि दौड़वाते अपना तार को तो यानी 900 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। और हो सकता है कि आपके जो भी एरिया है और लोकेलिटी है ये आपके अनुसार से उस शहर के महंगाई के अनुसार से चार्ज करें। इसके अलावा यहाँ पर आपको दो चीज़ें मिल जाती हैं, ये दोनों क्या है मैं खोल कर बताऊँगा, लेकिन उससे पहले बहुत कुछ बातें हैं बताने के लिए, उसको ध्यान से सुन लीजिए। ये राउटर है, बहुत लोग इसको रूटर भी कहते हैं, वाईफाई भी कहते हैं, ब्रॉडबैंड कनेक्शन मेन बात इसी सारी चीजों पर रिलाय करता है, जो भी है यही है। और ये है हमारा सब्सक्राइबर एंड इक्विपमेंट, आप ये कह सकते हैं ये बैकअप देता है, यानी कि आप जो भी कुछ करते हैं उसको कनेक्ट करने का काम ये रूटर से करवाता है। यानी दो चीजें आपको मिलती हैं, एक तीसरा चीज मैं आपको पहले ही बता दिया, वो ऑप्टिकल फाइबर आता है, वही जान होता है और इसको कनेक्ट करता है तो हम लोगों को इंटरनेट हाई स्पीड पर मिलती है। तो चलिए सबसे पहले यहां पर मैं इसे खोल कर आपको बताता हूं कि इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके कुछ परफॉर्मेंसेस के बारे में। ये रूटर है एक्सेस पॉइंट नेम के साथ, रेंज एक्सटेंडर के साथ, WISP मोड्स के साथ आपको ये रूटर साथ में मिलता है, यानी कि इसमें चार चार आपको मतलब सुविधा मिलता है एक ही राउटर में, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और ये इसका जो एंटीना है वो 5 dBi का है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। इसका स्पीड 300 Mbps का है, जो मामूली नहीं है, बहुत है। 300 Mbps बहुत ही ज़्यादा होता है। यदि आपका इंटरनेट का स्पीड 30 Mbps भी है, यकीन मानिए आपका सारा काम हो जाएगा। बहुत ही अच्छा इंटरनेट का स्पीड माना जाता है, और ये राउटर आपको मैक्सिमम 300 Mbps तक देता है। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये होता है कि बोलता तो है, क्या देता है? तो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि हाँ, बिल्कुल देता है। 300 Mbps का स्पीड कहा गया है, तो आपको बड़े आसानी से 100 तो मिल ही जाती है, बहुत आसानी से। अभी मैं आपको चेक करवाऊंगा, 50-100 तक रिलाय करेगा, बहुत ही बढ़िया इंटरनेट का स्पीड आएगा। लेकिन मैंने जो प्लान लिया है, आगे मैं डिस्कस करूंगा प्लान के बारे में, मैंने क्या प्लान लिया है। और चौथा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये मुझे मिला कि IPv6 सपोर्ट है, जो कि लेटेस्ट एक्सेस पॉइंट नेम का आपको सपोर्ट मिलता है, जो कि काफ़ी खास बात है। इसी के कारण इसका स्पीड काफ़ी हद तक बढ़ गया। तो चलिए अब बहुत मैंने बकवास कर लिया, अब चलिए आपको यहाँ पर खोल कर दिखाता हूँ और बताऊँगा कि आपको इसमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो जल्दी से मैं आपको खोल कर दिखा देता हूँ। ये कुछ आपको यूजर गाइड मिलता है, मुझे मालूम है पूरा कि आप पढ़ते ज़रूर होंगे, तो यहाँ रख देते हैं। इसके अलावा यहाँ पर
बस आपको ये मिलता है और एक ये केबल मिलता है जो कि आप मेन स्विच से कनेक्ट करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगे। इसके अलावा एक और केबल मिलता है, दो केबल होता है, एक इसको और एक नीचे सब्सक्राइबर एंड इक्विपमेंट को जो मैंने जोड़कर बताया वो मिलता है। ये देखिए ये दो चीज़ों को आप जोड़िएगा अपना मेन स्विच से मेन केबल से तो जाके ये सब काम करेगा। तो चलिए अब कुछ राउटर के बारे में हम लोग देख लेते हैं। इसके चार चीज़ों के बारे में तो मैंने पहले ही बता दिया, एंटीना बहुत ही बढ़िया है, 5 dBi का है, बहुत ही बढ़िया है, स्पीड 3 Mbps तक का है। और अब यहाँ पर कुछ पोर्ट के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। ये पावर बटन है, यानी कि जब आप कुछ कनेक्ट करते हैं तो ये जब ऑन हो जाता है तो समझ लीजिए जिसमें जान आ गया। और ये जो है ये आपका मतलब कह सकते हैं WAN सिस्टम है, और ये दोनों इंटरनेट केबल है, ये दोनों ही, यानी कि आप इसे कंप्यूटर मतलब टैबलेट ये सारी चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं। और ये आपका रीसेट बटन है, मालूम तो है रीसेट बटन से क्या होता होगा। तो और यहाँ पर जब लाल बत्ती आ जाता है, लाल बत्ती जल जाता है जब इसमें पावर आ जाता है, तो इसका मतलब ये है कि राउटर ऑन हो गया। और जब हरा बत्ती आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि कोई डिवाइस से कनेक्ट हो गया है। और ये 300 Mbps का राउटर है, बहुत ही बढ़िया है। तो बस यही है राउटर के बारे में, चिंता मत कीजिए, मैं आपको कनेक्ट करके भी बताऊंगा कि आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, बाकी तमाम चीज़ों के बारे में बताऊंगा। वीडियो लंबा होगा, इसका मतलब ये नहीं कि आप छोड़ छोड़ के देखिएगा, ऐसी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, ऊपर से आप स्किप कर करके देखते हैं तो स्किप करके मत देखिएगा। मेरे ख्याल से आप एक एक सेकेंड पर ध्यान दीजिएगा, मैं तो यही कहूँगा आपसे। तो चलिए ये पहला का कॉलम हो गया है, अब दूसरा पर आते हैं हम लोग। ये इसका नाम है सब्सक्राइबर एंड इक्विपमेंट, यानी ये मैंने आपको पहले ही बताया, बाकी जो कुछ भी है उसको इसे कनेक्ट करने का काम यही करते हैं सब्सक्राइबर एंड इक्विपमेंट। और कैसे खुलेगा, ऐसे तो ये देखिए यहां पर आपको फिर वापस से यूजर मैनुअल गार्ड मतलब गाइड, आप इसको तो पढ़ते ही हैं मुझे मालूम है, इसलिए मैं रख लेता हूं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट गाइड होते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इससे। और ये आपका मतलब सब्सक्राइबर एंड इक्विपमेंट मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसका यूज़ देखिए, सबसे पहले आप जो कुछ भी कनेक्ट कर रहे हैं उसको यहाँ पर कनेक्ट करने का काम आता है, वो केबल को जो पीला केबल आपको एक मिलता है उससे कनेक्ट करने का काम आता है। और ये ऑन ऑफ आप ये क्लिक करके ऑन ऑफ कर सकते हैं, बस इसका काम इतना ही है कि आपके राउटर को मेन चीज से मेन स्विच से कनेक्ट करता है, इतना ही काम है। तो अब बहुत सारे लोग सवाल ये करेंगे कि आपने कौन सा मतलब सिस्टम लिया है, क्या एक्सट्रीम का सिस्टम लिया है, या फिर जियो फाइबर सिस्टम लिया है, या फिर एयरटेल का एक्सट्रीम लिया है, या फिर कोई और BSNL भी क्या लिया है। तो यह मैं आपको बता दूं कि ये रेल वायर ब्रॉडबैंड कनेक्शन है। अब आप ये सोच के घबराइए नहीं कि मैं रेल वायर का ब्रॉडबैंड कनेक्शन लिया हूं, दरअसल मैं जिस एरिया में रहता हूं वहां पर ना तो BSNL का सिस्टम है और ना ही एयरटेल का सिस्टम है और ना ही जियो फाइबर का सिस्टम है, यहां पर एक ही ब्रॉडबैंड का सुविधा मिल रहा था। और मुझे तो आपको वीडियो देना है, आप देखें या नहीं देखें, मैं तो वीडियो दूंगा ही, आप तो देखते हैं नहीं, आपको देखना होगा, हमारे वीडियोस को लाइक करना होगा। तो यही फैसला लेते हुए मैंने सोचा ब्रॉडबैंड तो मैं लगवाऊंगा ही, और इसलिए मैंने लगवाया। और जब मैं लगवाया तो मैंने पता किया BSNL के बारे में, एयरटेल के बारे में, और भी बाकी तमाम टेलीकॉम ऑपरेटर के बारे में पता किया, तो मेरे एरिया में ये कुछ भी नहीं लगते हैं। तो फाइनली मुझे पता चला कि रेल वायर कनेक्शन एक है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रोवाइड कराता है, वो भी ऑप्टिकल फाइबर के साथ, हाई स्पीड इंटरनेट के साथ। अब आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि वाकई में इसका जो इंटरनेट स्पीड रहता है वो हाई स्पीड रहता है, बहुत ही बढ़िया सेटिस्फाइड है इसका स्पीड। और तो मैंने रेल वायर का सेटअप लगवाया ऑप्टिकल फाइबर के साथ साथ। और मैंने क्यों लगवाया, मैं तो जियो फाइबर ही लगवाना चाह रहा था, लेकिन अब एरिया में सुविधा है नहीं तो मैं नहीं लगवाया। अब चलिए आते हैं ये सारी चीजों को लगवाने में कॉस्ट कितना लगा, उसके बाद लास्ट में मैं आपको इसे सेटअप करवा कर मतलब दिखा भी दूंगा कि आप किस तरीके से सारी चीजों को सेटअप कर सकते हैं।
तो सारी चीजों को जोड़कर यदि मैं कहूं तो मुझे 4,500 रुपए लगा है, यानी कि करीब 4,500 रुपीस मुझे ये सारे चीजों को लगाने में लगा है। फिर चाहे वो केबल हो, फिर चाहे वो राउटर हो, फिर चाहे वो किसी भी तरीका का कनेक्शन हो प्लान के साथ। अब प्लान के बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, कौन सा प्लान मैं यूज कर रहा हूँ। प्लान मैं यूज कर रहा हूँ 760 रुपए का, जीएसटी के साथ 760 रुपए का प्लान मैं यूज कर रहा हूँ, जिसमें मुझे करीब महीने के 1500 जीबी मिल रहे हैं अनलिमिटेड। मतलब कोई भी आप में लिमिट नहीं है कि आप 50 जीबी ही रोज का इस्तेमाल कीजिए, उसके बाद आप नहीं कर सकते, अनलिमिटेड। और खास बात यह है इस प्लान की, हाई स्पीड इंटरनेट के साथ 75 Mbps के मैंने प्लान लिया है, जिसमें से आप 50 Mbps तो मानकर ही चलिए, 50 Mbps आपको बड़े आसानी से स्पीड मिल जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगा सकते हैं, क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगवाने के, और साथ ही मैं थोड़ा वीडियो को और भी एक्सटेंड करूंगा, आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से इन सारी चीजों को सेटअप कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए थोड़ा और देख लेते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे इन सारी चीजों को सेटअप कर सकते हैं और इसका इंटरनेट का स्पीड कैसा है, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें क्या क्या परेशानी है, क्या क्या प्रोज है, क्या क्या कॉन्स है ये रेल वायर कनेक्शन लेने का। तो नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए आपको सब्सक्राइब जरूर करना है, वीडियो को लाइक जरूर करना है। लाइक आप लोग नहीं करते हैं, लाइक जरूर कीजिए और वीडियो को जरूर एंड तक देखिए। देखिए एंड तक यदि आप नहीं देखते हैं तो वीडियो को आगे रिकमेंड नहीं किया जाता है, तो एंड तक देखिए, वीडियो वाकई में काफी काम की होती है, आप इसको सपोर्ट कीजिए। एंड टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।